हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स के दो महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इस प्रश्न का सलूशन भी उस तरीके से हम बताएंगे जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में राइट करना है, बिल्कुल A to Z जिस तरीके से हम यहाँ पर बोर्ड पर समझाएंगे इसी तरीके से आपको कॉपी पर भी राइट करनी है, तभी जाके आपको पूरा अंक मिलेगा। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सेशन के लास्ट तक जो है आप लोग बने रहिए और वीडियो को कहीं पर भी एक सेकंड के लिए स्किप मत करना, ठीक है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो दो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए देखिए, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज की इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक, आज के इस वीडियो पर 1000 लाइक आ जाने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग में मैंने बताया था केवल दो क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार और एक अनंत लंबाई की समतल आवेशित चालक, ठीक है। तो दोनों के तरीके बिल्कुल सेम है, अगर कोई एक अच्छे से आप कर लेते हैं तो दोनों आसानी से कर ले जाएंगे। तो अनंत लंबाई के चालक तार वाला हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार है, ये एक समान रूप से क्या है, आवेशित है, ठीक है। तो यहां पे लिखिए, माना कोई एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का चालक तार है, ठीक है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है। क्या है इसका रेखीय आवेश घनत्व, क्या है, लैम्डा है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा, ठीक है। और रेखीय आवेश घनत्व तो बराबर होता क्या है, इस पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा बटे इसकी लंबाई। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल, क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल, ठीक है, यही होता है। आगे देखिए, इस चालक तार से आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस चालक से मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जो इससे आर दूरी पर है, यहाँ पे हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु को, ठीक है, उस बिंदु को रेडियस मान के हम एक ऐसे गौसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं कि जो इस बिंदु को इंक्लूड कर ले, यानी ये पूरा पॉइंट उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो आर दूरी का हम एक गौसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं और ये हमारा क्या है, एक अनंत लंबाई का चालक तार है। तो चालक तार दोस्तों, अगर आपको 2021 में बोर्ड का पेपर देना है और आपकी केमिस्ट्री की तैयारी नहीं हुई तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपर विद भारत पंचाल सर, जिसमें आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक एक डाउट को क्लियर किए जाएंगे और आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा ताकि आप 2021 के बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया, आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में एक क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप इस क्लास में अटेंड करने के साथ साथ आप अपने डाउट भी डायरेक्ट सर से पूछ सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कोई भी बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी एक गुड न्यूज़ है, प्रिया जैन मैम आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में जो भी आपके डाउट है आप पूछ सकते हो और आपको कंप्लीट बताएंगे कि आप कैसे तैयारी करें। तो आप ये दोनों क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन मैंने दोनों क्लासेस के लिंक प्रोवाइड किए, आप वहाँ से जाकर इनरोल कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको जो लिंक प्रोवाइड किया उसमें आप एक कोड शुभम @12 यूज करोगे, आपको टोटल फीस से 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से एक बार जरूर चेकआउट करना। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चारों ओर अगर हम गौसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे तो क्या होगा, एक बेलन के रूप में होगा, क्या होगा, एक बेलन के रूप में, यानी एक पाइप के रूप में, ठीक है। अगर कोई पाइप है उसके अंदर कोई भी आप लकड़ी या कोई भी छड़ डालते हैं तो वो क्या होगा, छड़ को चारों तरफ से वो पाइप कवर करेगा ना। तो ठीक इसी तरीके से इसके चारों ओर जो हम गौसियन पृष्ठ खींचते हैं, गौसियन पृष्ठ खींचने का मतलब है जिसके अराउंड खींच रहे हैं उसको पूरा पूरा कवर करे, ठीक है। तो इसको पूरा कौन कवर करेगा, बेलन, गोला, गोला बनाएंगे तो आधा उधर बाहर हो जाएगा आधा उधर, ठीक है। तो चलिए हम एक गौसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं इस तरीके से। गौसियन पृष्ठ को जो है डॉट डॉट से दिखाया जाता है, ठीक इस तरीके से
ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ हो गया, ठीक है, जो बेलन के रूप में है। अब देखिए ये गॉसियन पृष्ठ हो गया, चूंकि चालक तार एक समान रूप से आवेशित है, यानी इस पर चार्ज है, तो चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र होगा, जब वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होंगी, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से या किसी एरिया से जितनी अधिक संख्या में पास करती हैं वही हमारा क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। तो इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए गॉसियन पृष्ठ का जो वक्र पृष्ठ है, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ का वक्र पृष्ठ जो है वो आपके वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है, ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए देखो, माना आवेशित तार के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, तार के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है। अब R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तो हमने मान लिया, गॉसियन पृष्ठ के एलांग, अब गॉसियन पृष्ठ में देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये हमारा वक्र पृष्ठ है और दूसरा ये परिच्छेद, ठीक है, परिच्छेद। तो परिच्छेद का अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर देखें तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर इधर, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यानी ये वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा और ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर डी ए की दिशा, तो इसके बीच कोण कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और वक्र पृष्ठ के एलांग इसका क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, और वैद्युत क्षेत्र यहां थीटा कितना है आपका 0 डिग्री, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स या गॉसियन पृष्ठ से संबंधित संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना है, मान लेते हैं फाइव एस है, माना या माना सब छोड़ो सीधे लिखो, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसके आगे आप गॉसियन पृष्ठ लिख लेना, इसके आगे गॉसियन पृष्ठ आप लोग लिख लीजिएगा, वैद्युत फ्लक्स फाई एस संपूर्ण इक्वल टू गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस प्रच्छेद, दोनों प्रच्छेद से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस प्रच्छेद से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, आगे आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब यही दोनों अगर हम निकाल लें तो हमें कुल वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी आपको गॉस की प्रमेय की सहायता से कोई भी चीज़ प्रूफ करना है तो आप गॉसियन पृष्ठ, जो भी गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे या गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे उससे संबंधित संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ही निकालना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है भाई, ई इंटीग्रेशन एस और डी डॉट डी ए प्लस, इसका भी वही हो जाएगा, इंटीग्रेशन एस संपूर्ण इंटीग्रेशन है, एस का मतलब होता हो, ठीक है, ई डॉट डी ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ई डॉट डी ए ये वक्र पृष्ठ की बात कर रहा, वक्र पृष्ठ पे थीटा कितना है 0 अंश, और प्रच्छेद की बात कर रहा तो प्रच्छेद पे थीटा कितना है 90 अंश, ठीक है। तो अब यहाँ पे फार्मूला पे अप्लाई कर दो, ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन तो आप लोग नोट ही कर लिए होंगे ना। चलिए देखिए, फाइ एस इक्वल टू कितना मिला, इंटीग्रेशन एस ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ई एस ई डी ए कॉस 90 डिग्री, ठीक है,
क्योंकि भाई देखिए प्रच्छेद वाला 90 अंश का कोण बना रहा और वक्र पृष्ठ वाला 0 है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यानी ये टर्म हो गया 0 और यही बचा। तो यहाँ पे e आपका कांस्टेंट है, इसको ले लो बाहर, ठीक है, e हो गया बाहर। इंटीग्रेशन cos 0 की वैल्यू होती है 1, अंदर बचा dA, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ का अगर हम इंटीग्रेशन करें, किसी भी वक्र पृष्ठ का यानी बेलन का अगर वक्र पृष्ठ देखा जाए, तो बेलन का टोटल वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr, कितना होता है 2πr, जहां पे r क्या है इसकी त्रिज्या है, e इंटू 2πr, 2πr, ठीक है। ये हो गया हमारा फाई एस, ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पे गॉस का नियम अप्लाई कर दो। गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी भी गॉसियन पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश यानी टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की क्या है डेफिनेशन है, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय के आधार पर या गॉस की परिभाषा के आधार पर, ठीक है, आगे लिखिए गॉस की परिभाषा से फाई एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे क्यू क्या है कुल आवेश, क्यू क्या है कुल आवेश, ठीक है, बटे एप्सिलॉन नॉट कुल आवेश। आपको याद होगा समीकरण नंबर 1 हमने क्या बनाया था, लेमडा इजकल टू रेखीय आवेश घनत्व, हमने लेमडा माना था क्यू बाई एल, जहां पे एल क्या था चालक तार की लंबाई थी, एल की एल क्या था चालक तार का लंबाई, ठीक है। तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा, Q इजकल टू लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल। हाँ एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब यहां पे किसी बेलन का वक्र पृष्ठ लिया जाता है तो 2πRL होता है, क्या होता है 2πR इंटू एल, ठीक है, 2πR इंटू एल, एल मतलब उसकी लंबाई, ठीक। तो वैल्यू रख लीजिए भाई, फाई एस की जगह क्या रखेंगे क्यू, क्यू का मान वहां कितना लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2πRL, ठीक है। तो हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इजकल टू, तो ई को रखो इसी साइड, बाकी सबको भेज दो उस साइड, तो ई इजकल टू कितना मिल जाएगा 2πRL, इधर क्या है गुड़े में दूसरी साइड आएंगे भाग में हो जाएंगे, यानी लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ साथ और क्या आ जाएगा 2πRL, एक एल से एक एल आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या देखिए 2π यहाँ है एप्सिलॉन नॉट यहाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2π एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इसको एक साथ कर दिए भाई इन तीनों को, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ऊपर बचा लेमडा बटे, यहाँ क्या बचा आर, लेमडा बटे आर, ये मेन फार्मूला होता है, ठीक है। तो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित कोई भी अगर आपका चालक तार है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होता है 1/2πε0 लेमडा बाई आर, जहां पर लेमडा क्या है रेखीय आवेश घनत्व, क्या है रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व, ठीक है, वो भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया अच्छे से, किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, कहीं पर कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व, के बीच अन्योन प्रेरकत्व, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई दो कुंडलियां रखी हुई हैं पास पास, ठीक है, इस तरीके से हमारी कोई दो कुंडली रखी हुई है पास पास, ये होती है प्राथमिक कुंडली मान लेते हैं, ये हमारी द्वितीयक कुंडली,
इसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं n1 है, इसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं n2 है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं I1 धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, I1 धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो भाई अन्योन प्रेरण गुणांक की क्या परिभाषा है कि पास पास रखी हुई दो समतल कुंडलियों में से अगर हम पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो पहले कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो पहले कुंडली में धारा प्रवाहित करने के कारण इसके केंद्र पर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। और अगर हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय क्षेत्र के मान में जब परिवर्तन होगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक चुंबकीय बल रेखाएं पास करती हैं जो कि इस दूसरे वाले कुंडली से होकर जाती हैं, ठीक है। तो दूसरे कुंडली से संबंधित इसके चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने की वजह से इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं, ठीक है, ये अन्योन प्रेरण की डेफिनेशन है, ठीक है। तो उसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हम इनके बीच में अन्योन प्रेरकत्व तो कितना होता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन m=2 क्या फार्मूला बनेगा, या अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए कि इसमें हम इतनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें फेरों की संख्या इतनी है, इसमें इतनी है, तब इसके बीच जो अन्योन प्रेरकत्व तो होगा m, उसका मान कितना आएगा, तो कोई एक फार्मूला होना चाहिए ना कैलकुलेशन के लिए, तो वही फार्मूला हम अब डेराइव करने वाले हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। माना आप लोग लिख लीजिए इतना, माना पहले कुंडली में फेरों की संख्या n1 व दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या n2 है, ठीक है। पहली कुंडली की त्रिज्या r1, दूसरी कुंडली की त्रिज्या क्या है r2, ठीक है। पहली कुंडली में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तो जब पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो I1 धारा प्रवाहित करने के कारण पहली कुंडली के केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लिखिए पहली कुंडली में या प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित होने से इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र b=μ0 कितना होता फार्मूला μ0 I/2R, ठीक है। बात पहली कुंडली की है तो पहली कुंडली में धारा कितनी है I1, पहली कुंडली की त्रिज्या कितनी है R1, और ये एक फेरे से, ठीक है, अगर एक कुंडली हो तो, ठीक है, क्योंकि कुंडली में फेरों की संख्या N1 है, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक या पहली लिख ली है तो पहली ही लिखो, पहली कुंडली में फेरों की संख्या N1 है, अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र v=2 क्या हो जाएगा μ0 N1 I1 / 2R1 / 2R1, ये हो गया समीकरण नंबर एक, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर एक। अब ऐसा मान लिया जाता है कि पहली कुंडली के कारण यानी पहली कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी कुंडली से पास करती हैं, ठीक है, दूसरी कुंडली से क्या होती हैं, पास करती हैं या होकर जाती हैं। कैसे, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे देखिए एक पाइप ले लीजिए, ठीक है, मतलब एक ऐसा इधर पाइप, एक ऐसा इधर, दोनों बिल्कुल सेम ही ले लीजिए या छोटा बड़ा जो भी समझ में आए आप ले लीजिए, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पहली पाइप है इससे जो है मान लीजिए कहीं से भी हम पानी पास कराते हैं, और इसी के पास में रखी हुई दूसरी जो पाइप है तो वो जो पानी पहली पाइप से आ रही है वो दूसरी पाइप से भी होकर पास करेगी ना, तो हो सकता है कि सारी की अगर पास पास बिल्कुल रखी है तो सारी की सारी पानी जो मतलब जितना इससे पास हो रहा है उतना उससे भी पास होगा ना, लेकिन अगर थोड़ा दूर दूर रखा गया है तो कुछ कम ज़्यादा पास होगा, यानी कुछ दाएँ बाएँ वेस्ट भी हो जाएगा, कुछ ही उसमें जाता है, ठीक है। तो
उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ मान लिया जाता है कि माना कि पहले कुंडली के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, इससे जो उत्पन्न हो रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र, वो सारी की सारी दूसरी कुंडली से पास हो रहे हैं, ठीक है। अतः दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर दूसरी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई एस, एस फॉर सेकेंडरी यानी दूसरी कुंडली, फाई एस बराबर क्या होता है बी डॉट ए। अब यहां पे आप बी की वैल्यू रख लो तो फाई एस इजकल टू कितना हो जाएगा, फाई एस इजकल टू वी, बी की वैल्यू यहां से म्यू जीरो एन वन आई वन बटे टू आर वन इंटू ए। ए क्या है, दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल, और दूसरी कुंडली की त्रिज्या क्या मानी गई थी, फिगर तो फिलहाल हमने मिटा दिया है, तो क्या थी वहां पे आर टू, तो पाई आर टू का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर दो, ठीक। अब अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा से, अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है, अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा से, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा से म्यूचुअल इंडक्शन एम इजकल टू क्या होता है एन टू फाइव एस अपान आई वन, एन टू फाइव एस अपान आई वन, ठीक है। ये होता है क्या म्यूचुअल इंडक्शन गुणांक की परिभाषा एम। अब यहां पे आप क्या करो, वैल्यू रख लो किसकी, फाइव एस की, फाइव एस की वैल्यू यहां पे है तो एम इक्वल टू एन टू, फाइव एस की वैल्यू क्या है म्यू जीरो एन वन आई वन पाई आर टू का स्क्वायर बटे क्या है टू आर वन इन टू, यहाँ क्या है आई वन, आई वन, ठीक है। आई वन से आई वन आपका कैंसिल हो गया, एम इक्वल टू कितना आया, एम इक्वल टू आया एन वन को बाहर कर लो एन वन एन टू, एन वन एन टू म्यू जीरो, म्यू जीरो पाई आर टू का स्क्वायर बटे टू आर वन, ठीक है। ये आपका है म्यूचुअल इंडक्शन गुणांक, यानी पास पास रखी हुई दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व एम, एम क्या है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है जहाँ पे एन वन क्या है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, एन टू क्या है दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या, म्यू जीरो एक आपका कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। आगे इसकी वैल्यू होती है फोर पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन, ठीक है। R2 क्या है दूसरी कुंडली की त्रिज्या है, R1 क्या है पहली कुंडली की त्रिज्या है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई, तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए।